गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अ वीडियो ऑफ सेवेंथ क्लास ऑफ सब्जेक्ट मैथ एंड वी हैव डन एक्सरसाइज 4.3 इन लास्ट डे एंड फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज अ 4.4 एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज हेयर सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग केसेस. मीन्स आपको पहले एक इक्वेशन को सेटअप करना है, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है कि उसकी क्या वैल्यू आएगी, जो वेरिएबल होगा. ठीक है, फर्स्ट है एड 6 to 5 टाइम ए नंबर. हमें क्या करना है, 6 को ऐड करना है किसमें, 5 टाइम ए नंबर, एक नंबर के 5 टाइम मतलब 5 गुना. ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और हमें आंसर क्या मिलेगा, 41. ठीक है, तो देखते हैं. जैसे ये है, मैंने नंबर क्या मान लिया, एक्स, उसका 5 टाइम्स वाला 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है ऐड 6 to 5 टाइम नंबर, एक 5 टाइम नंबर में हम जब 6 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 41. तो हमने ये इक्वेशन बना दी, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन. अब हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी एक्स की, तो क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, मतलब नंबर्स को एक तरफ सफल कर देंगे और इनको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये 5x, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 35 बचेगा, 5 अब आपका डिनोमिनेटर में आएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/3 ऑफ अ नंबर -5, एक नंबर का 1/3 उसमें आप माइनस करेंगे 5, तब आपको कितना मिलेगा, 3. तो हम इसमें भी नंबर मान लेंगे, नंबर हमने मान लिया एक्स होगा, उसको 1/3 मतलब 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई 3. अब वो क्या कह रहा है, 1/3 में से 5 लेस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3. 1/3 में से जो नंबर है आपका उसमें से 5 लेस करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, ये. तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी. अब इसको सॉल्व करना है तो 5 आप उधर ले जाएंगे तो 8, जहाँ कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 24. ठीक है, मतलब जो आपकी इसमें स्टेटमेंट लिखा है उसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट यू सॉल्व द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ओके, दीज टू थिंग्स वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन. ओके, एंड देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 8 फ्रॉम 2/5 ऑफ अ नंबर. क्या करना है, मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा किसमें से, 2/5 ऑफ नंबर, 2/5 जो नंबर होगा हमारा उसमें से मैं 8 लेस करूंगा तो हमें कितना मिलेगा, 4. तो देख लेते हैं, 2/5 मतलब नंबर मैंने एक्स मान लिया, उसका 2/5 कितना हो जाएगा, 2y 5x, उसमें से 8 लेस करने पर कितना मिलेगा, 4. ये आपकी क्वेश्चन बन गई. आप इसको उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 4 + 8 दैट इज 12. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 62 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 30. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं इसके वो एज ए होमवर्क करेंगे, बिल्कुल सेम है. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट के इसमें, फर्स्ट में 6 पार्ट्स थे, मैंने 3 करा दिए, 3 आपको एज ए होमवर्क दिए. तो देख लीजिए, राम हैज़ 5 मार्बल मोर देन 3 टाइम्स गोपाल है. राम के पास जो मार्बल्स हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं, सॉरी, राम के पास जो मार्बल हैं उसकी कंपेयर की गई है गोपाल से. राम के पास कितने मार्बल्स हैं, जितने गोपाल के पास हैं उससे 3 times 5 ज़्यादा है. तो ठीक है, तो जिससे कंपेयर किया जाता उसको हमेशा मान लेते हैं. ठीक है, लेट गोपाल हैज, गोपाल के पास कितने मार्बल हैं, एक्स मान लिया, नंबर नहीं पता था. उससे राम के पास कितने होंगे, राम के पास उसके पास 3 times 5 ज़्यादा है, तो 5 आपने ऐड कर दिया. कितने हैं राम के पास, 32, तो 32 मैंने मार्बल इधर पुट कर दिया. आप जो नंबर से आप उधर ले जाइए, 27 3/5 से, तो आपकी मार्बल की वैल्यू कितनी आ गई, 9. हमें क्या निकालना था, हमें यही निकालना था कि गोपाल के पास कितने, तो गोपाल के पास कितने थे, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 meters मोर देन इट्स ब्रेथ. जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है, 6 meters ज़्यादा है. तो कंपेयर किससे किया गया, कंपेयर किया गया आपकी लेंथ को ब्रेथ से. तो ब्रेथ को हम हमेशा लेट सपोज करेंगे,
इसकी मैंने एक्स मान ली और ये कितनी हो जाएगी एक्स प्लस सिक्स। उसका पैरीमीटर आपको दे रखा है 128, ठीक है, पैरीमीटर में गिवन है क्वेश्चन में। और हमें निकालना है इनकी डायमेंशंस, मतलब लेंथ और ब्रिथ उसकी क्या होगी, पहले क्या नाम रेक्टेंगल है उसकी। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b, ये आपका फॉर्मूला, ये आप लोग लर्न कर लें, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी, ये आपका हो जाएगा, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रिथ, ठीक है। लेंथ कितनी है एक्स प्लस सिक्स और ब्रिथ कितनी है एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x, ये 6, 2 से मल्टीप्लाएंगे तो 4x, इसकी 12, 12 को आप उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 116, 4 को नीचे ले जाएंगे तो कितना आएगा 29, ठीक है। तो ये x हमारा क्या है, ब्रिथ है, और ये लेंथ हमारी है एक्स प्लस फाइव, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 25, दोनों हमारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।